घरवा में राजा जी तन को नहीं खर्ची तन को नहीं खर्ची अपिए खाती राजा जी बन घर बरची पिए खाती राजा जी बन घर बर जनती की जारल गई बू आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के चली ना बिहार में जींस पहिनल छोड़ दे बुचिया महाजबा सलवार में। वाह वाह क्या नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं वाईसी न्यूज़। मेरा नाम कुमार विवेक हुआ। अभी मेरे बगल में आप जिस शख्स को देख रहे हैं और शायद किसी परिचय की मोहताज। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो है 90 के दशक के जो है कलाकार हैं और इनके टाइम में जो है कैसेट का जमाना था और यूट्यूब का जमाना नहीं था उस समय के जो है कलाकार हैं। लेकिन ये जो है अभी हमारे बिहार में जो है शराब बंद है, लेकिन शराब तो हर एक जगह मिल रहा है। उसी जहरीली शराब की वजह से जो बहुत सारे लोग जो है जिनका जो है मौत हो जा रहा है। लेकिन उसी बीच जो है एक गाने के माध्यम से जो है लोगों को मोटिवेट करने का तरीका इनके पास जो है कुछ अलग है। उसी गाने के माध्यम से जो है लोगों को जो मतलब समझा रहे हैं। तो इनके पास जो है हम आ गए। आजकल जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी चल रहे हैं, तो हम सोचे कि क्यों नहीं हम भी इनसे मिले और इनसे कुछ बातें करें। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है व्यास जी। प्रणाम। जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल का दिल से प्रणाम। अब के डेट में जितना भी कलाकार है देख लीजिए, एक गाना गा करके वायरल हो जा रहा है। उस समय काफी स्ट्रगल करने के बाद लोग वायरल होता था। रील के दौर था, झोला में ले जाकर के दुकाने कैसेट देना पड़ता था। तो काफी मेहनत के बाद मैंने आदमी कुछ लोग जानता था कि ये लोग गाते हैं। अभी तो एकदम पूछिए कि एक गाना में वायरल हो गया। लेकिन आप जिस टाइम से जो है कलाकारी कर रहे हैं शायद आपके टाइम में शायद खेसारी पवन भी नहीं होंगे इंडस्ट्री में। खेसारी जी थे। लेकिन बंदी को लेकर के आप बहुत ही अच्छे गाने तैयार किए हैं। सही बात है जी। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को जो है गाना आपने जो तौर पे तैयार किया है वो शायद दर्शकों के लिए हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा। पी के शराब तू शरीर के गला बिहला कि सोना ऐसन दहिया के माटी में मिला दिहला ए बकलोल तू अनमोल जिंदगी के ऐसन शरीर तू नाली में बहा दिहलो। इस शायर के माध्यम से यह सुझाव बा कि इतना सुंदर सोना जैसा शरीर पाके आ लोग मने जहरीली शराब पी के अपन जान गंवा देता। एकदम आइए पर के गाना हम रुवा के सुनाओ तो नहीं सैया पिया तारा बाउच तू ता अरे खात नहीं खा सुखा तारा दिन दिन तुम तात नहीं खा सुखा तारा दिन दिन तुम तात नहीं खा सैया पिया तारा बाउच तू ता अरे खात नहीं खा सुखा तारा दिन दिन तुम तात नहीं खा घरवा में राजा जी तन को नहीं खे खर्ची तन को नहीं खे खर्ची अपिए खाती राजा जी बन घर बरची पिए खाती राजा जी बन घर बरची ऐसन बनल बारा हमरे से चिन्हत नहीं खा सुख तर दिन दिन तुम तात नहीं खा सुख तर दिन दिन तुम तात नहीं खा। अगर जहरीली शराब जो पी रहे हैं उसमें तो कम मतलब केमिकल जो नाप नूप के डाला जाता होगा। हम तो नहीं पीते जो हम बता दें आपको। तो ये जहरीली शराब अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो ठीक है हमारे हिसाब से। चलिए इनका कहना जो काफी सही है, क्योंकि अगर हमारे बिहार में जो शराब बंद हो जा रहा है तो शायद जो लोग ऐसे जहरीली शराब की वजह से जो जिनका मौत हो रहा है शायद उस मौत से जो वंचित होंगे। चलिए अब आपसे एक चीज और हम इनसे बात कर लेते हैं कि आजकल देखा जाए तो हमारे बिहार में जो है बीटी का जो है नीतीश कुमार जी जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं नहीं तो भाई हमारे बिहार में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग जो है दहेज के वजह से जो है मतलब बिटिया को जो है मार देते हैं और कुछ लोग जो है ऐसे भी मार देते हैं।
बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने घर में जो है बेटी को जो है जन्म लेने से जो है खुश हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिन लोगों का अपना अपना मन सीखता है, जिन लोगों को अगर बेटी देख करके अगर जलन होता होगा वो जाने। अगर ये बताइए कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से आएगी? अच्छा, एक बात बताइए कि शायद अगर वहीं अगर बेटी अगर हमारे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में पूरे विश्व का मैं बात कर रहा हूँ, अगर शायद वो बेटी अगर नहीं होती तो शायद हम और आप इस दुनिया को नहीं देखते। नहीं, नहीं देखते। सही बात है ना, एकदम जायज बात है। तो हम चाहेंगे कि बेटी के ऊपर थोड़ा गाना हो जाए तो बेटर रहेगा। चाहिए, दहेज प्रथा पर आपको सुनाते हैं। एकदम एकदम सुनाते हैं। जनती की जारल जईबू, जनती की जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। जनती की जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। कतले तू होई बुरनिया, बड़े बिकतिया, करवते ही बीतल होई दिनवा रतिया। कतले तू होई बुरनिया, बड़े बिकतिया, करवते ही बीतल होई दिनवा रतिया। मई कही के कुकल हुई है, अपना करे जिके पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। जाते जाते जो भी आपके भगवान श्रोतागण आपको देख रहे हैं उनसे क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहेंगे कि इनका चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ में हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखें, क्योंकि जो है पारंपरिक भजन ही गाते हैं। अच्छा, अब अपने दशक में जो जिस टाइम आप गायकी कर रहे थे उस टाइम आपका एल्बम वगैरह आया था? जी, एल्बम आया था। अच्छा, अश्लील नहीं ना था एल्बम? ऐसे एल्बम का नाम था माजाबा सलवार में एकदम, लेकिन गाना के माध्यम से जो है सुझाव था। लेकिन एल्बम से तो ऐसा लग रहा है कि अश्लील नहीं है। जी, अश्लील लग रहा है लेकिन अश्लील है नहीं। अच्छा, उसमें का दो लाइन हो जाए, हारमोनियम से गाएं कि सदा? आए सही, हारमोनियम से गा सकते हैं, सदा गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सदा ही गाते जी। सहरिया स्टाइल बबुनी से पहिनल छोड़ दे बुचिया, महजबा सलवार में। इसलिए हम गाए थे कि हमारे भारत का संस्कृति सूट सलवार और साड़ी है एकदम एकदम, और अभी जींस स्कर्ट जो चल रहा है तो इस पे हम सुझाव देकर इस गाने को गाए थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।